गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सातों हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के क्षितिज जो बुक है इसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। लल्धद्दे कव इत्रे है लल्धद्दे, ये कश्मीर की ही है, कश्मीर की रहने वाली है और उसी काव्य शैली में इसने काव्य रचना की है यानी लिखा है। यहाँ पर कवयित्री ने जो है वाक लिखे हैं, वाक वाक का अर्थ होता है वाणी, वाक लिखे हैं, वाक का अर्थ होता है वाणी यानी इन्होंने ये चार पंक्तियों में लिखी गई रचना है। इन्होंने जो वाक लिखे हैं, जो वाणी लिखी है उसमें अन्य संत कवियों की तरह ही इन्होंने भी ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है और योग साधना को करते हुए समय व्यर्थ गंवाने पर बाद में कवयित्री को सिर्फ पछतावा होता है। ईश्वर भक्ति के रूप में वो पुण्य नहीं कमा पाए, ईश्वर की भक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाए योग साधना में लगी रहने के कारण, इसीलिए अन्य संत कवियों की तरह ही कवयित्री लल्धद्दे ने भी कश्मीरी काव्य शैली में जो पंक्तियां लिखी है वह उन्हें वाणी कहा जाता है। इनका परिचय देखते हैं। यह कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री रही है। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर के पामपोर के सिंपुरा गांव में हुआ था। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। लल्धद्दे के उपनाम भी है, इन्हें कई उपनामों से पुकारा जाता है, लल्लेश्वरी, लल्ला, ललियोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी कवयित्री को जाना जाता है। इनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लल्धद्दे की जो काव्य शैली है, जो काव्य लिखने की शैली है उसे वाक कहा जाता है और वाक का अर्थ होता है वाणी। जिस तरह हिंदी में आपने कबीर के दोहे पढ़े, मीरा के पद पढ़े, तुलसीदास जी की चौपाइयां पढ़ी और रसखान के सवैया छंद पढ़े हैं और इनके छंद चौपाई पद प्रसिद्ध है, उसी तरह से लल्धद्दे जो कश्मीर की कवयित्री है इनके भी वाक यानी वाणी, इनकी वाणी प्रसिद्ध है। ये अपने वाक्यों के जरिए इन्होंने भी जाति और धर्म की जो संकीर्णताएं हैं इनसे ऊपर उठकर के भक्ति के मार्ग पर चलने पर जोर दिया है यानी सांप्रदायिकता की भावना, जाति पाति की भावना, इन सब का विरोध करते हुए, इनका खंडन करते हुए इन्होंने भी अन्य संत कवियों की तरह ही ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है और इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है जो धर्म के नाम पर कई प्रकार से दिखावा करते हैं, अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सांप्रदायिकता की भावना रखते हैं, हिंदू मुस्लिम की भावना रखते हैं, इनसे ऊपर उठ करके इन और कवयित्री ने इनका विरोध करते हुए, इनका खंडन करते हुए ईश्वर की भक्ति करने का आग्रह किया है और ईश्वर की भक्ति की है। इन्होंने प्रेम को ही सबसे बड़ा मूल्य बताया है यानी सांप्रदायिकता की भावना न रख करके और मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे, मनुष्यता की भावना उसके अंदर हो वही सच्चा मनुष्य होता है, क्योंकि आत्मा जो है उस परमात्मा का ही अंश होती है और यहाँ पर सभी मनुष्य के हृदय में आत्मा है, आत्मा का निवास है, सभी परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए एक दूसरे से धर्म, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, जाति पाति ऊंच नीच की भावना रखना ये सब गलत है, अंधविश्वास है, इन सबका
और लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लद्दते की रचनाओं में तत्कालीन यानी उस समय की पंडिताओं भाषा, जो पंडितों की भाषा थी, विद्वानों की भाषा थी, संस्कृत और दरबार की गोद से दबी हुई फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। यही कारण है कि लद्दते की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की सुरक्ति और वाणी में आज भी जीवित है। आज भी कश्मीर में लोग जो है इनके वाक को गाते हैं, समझते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है, प्रमुख कवयित्री मानी जाती है। इनके वाक जो लिखे इन्होंने को अत्यधिक महत्व दिया गया है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल यानी संपूर्ण भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लद्दते के चार वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वाक यानी इनकी जो वाणी है जिसमें इन्होंने अपने विचार, अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, उनका अनुवाद, हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में लद्दते ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। कवयित्री ने पहले वाक में कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैंने जितने भी प्रयास किए वो सब व्यर्थ रहे, बेकार रहे। दूसरे वाक में इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है, यानी जो दिखावा करते हैं उन लोगों का विरोध करते हुए कवयित्री ने कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर यानी संतुलन बनाए रखने पर, संभावी यानी संतुलन बना के रखना या बराबर की मात्रा होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। यहाँ पर कवयित्री ये कहना चाहती है कि इस संसार में रहकर के मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए अगर जीवन यापन करता है, सांसारिक विषय वासनाओं में, सांसारिक सुख भोगों में डूबा रहता है तो वो उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और अगर सांसारिक सुखों को छोड़ करके और विषय वासना भोगों को छोड़ करके पूरी तरह से तपस्वी बन जाता है, योग साधना करता है तो फिर उसके अंदर अहंकार आ जाता है, अहंकार की भावना आ जाती है। इसीलिए संभावी यानी दोनों में संतुलन बनाकर रखने की सीख यहाँ पर कवयित्री दे रही है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है, यानी स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना। वे अनुभव करती है कि भव सागर से पार जाने के लिए, कि इस संसार सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। यानी व्यक्ति को इस संसार में रहकर के, मनुष्य जीवन में रहकर के अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। कबीर दास जी ने भी कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से वो व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता, श्रेष्ठ नहीं कहलाता है, अर्थात उसके कार्य, उसके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। तो यहाँ पर कवयित्री भी कहती है कि इस संसार सागर से पार करने के लिए और मुक्ति पाने के लिए सत्कर्म यानी अच्छे कर्म ही सहायता करते हैं। हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, एक दूसरे से प्रेम की भावना रखनी चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जाति पाति ऊंच नीच और सांप्रदायिकता की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है, यानी हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और ईश्वर की सर्वव्यापकता यानी ईश्वर जो है इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, सभी जगह है, सभी मनुष्यों के हृदय में परमात्मा विराजमान है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है उस पर
माना है, यानी कवयित्री लतते ने आत्मज्ञान, यानी जब स्वयं को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, ईश्वर की साधना करता है, अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मेरा गार्ग ने किया है, यानी ये कश्मीरी शैली में लिखे गए हैं वाक, लेकिन इनका अनुवाद करके कवयित्री ने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। कवयित्री का पहला वाक हम देखते हैं, यानी वाक का अर्थ होता है वाणी, जो कश्मीरी काव्य शैली में लिखे गए हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव बहु सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है। कवयित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की, कि ये जो जीवन है यह कच्चे रस्सी, जिस प्रकार से रस्सी कच्चे धागे से बनी होती है और वो टूट जाती है, उसी प्रकार से जो मनुष्य जीवन है यह भी एक कच्चे धागे की बनी हुई रस्सी के समान है। यहाँ पर रस्सी शब्द जो आया है ये जीवन जीने के साधनों के लिए आया है, यानी मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है। और खींच रही मैं नाव, यहाँ पर मैं ईश्वर की भक्ति रूपी नाव को खींच रही हूँ, अर्थात कवयित्री के कहने का भाव ये है कि मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है और जो जीवन जीने के साधन है उनको अपना करके मैं जीवन, मेरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है, उम्र निकलती जा रही है, लेकिन मैं ईश्वर की भक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पा रही हूँ। ईश्वर की उस भक्ति रूपी नाव को मैं इस जीवन के सहारे, जीवन जीने के जो साधन है इनके सहारे खींच रही हूँ, और कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के समान ही मनुष्य जीवन है। जिस प्रकार से रस्सी को ज्यादा खींचने पर या फिर कच्चे धागे से बनी रस्सी टूट जाती है, उसी प्रकार से एक न एक दिन मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर है, समाप्त होना ही है, नष्ट होना ही है। लेकिन ईश्वर की भक्ति रूपी नाव में सवार होकर के, ईश्वर की भक्ति करके मैं इस ईश्वर भक्ति रूपी नाव को खींच रही हूँ, चला रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव बहु सागर पार। जाने कब देव ईश्वर प्रभु मेरी पुकार को सुनेगा, मेरी पीड़ा को सुनेगा, मेरी पुकार को सुनेगा और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करवा करके मुझे मुक्ति प्रदान करेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार से जो कच्चा सकोरा कटोरा जो होता है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ, उसमें पानी घिसता रहता है, टपकता रहता है और उसमें पानी भरने के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इसके माध्यम से कवयित्री कहना चाह रही है कि यह मनुष्य जीवन जो है क्षणभंगुर है, इसमें मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए मैंने अनेक प्रयास किए, मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने हठ योग किया, योग साधना की, लेकिन उन सब में मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई, वो सब प्रयास मेरे व्यर्थ रहे। जी में उठती रह रह भूख, घर जाने की चाह है। अब मेरे जी में, मेरे मन में, मेरे हृदय में रह रह करके पीड़ा दर्द उठता है, भूख यानी दर्द पीड़ा महसूस होती है, उठती है, क्योंकि अब घर जाने की चाह है मेरे, मुझे ईश्वर के घर जाने की। यहाँ पर घर जाने से अर्थ है ईश्वर से मिलने की, ईश्वर प्राप्ति की चाह, इच्छा अब मुझे गहरे हुए, अर्थात अब जीवन का अंतिम पड़ाव है, समय व्यतीत होता जा रहा है, आयु निकलती जा रही है, ईश्वर प्राप्ति के जो भी प्रयास थे मेरे वो सब व्यर्थ गए, क्योंकि मैं योग साधना में लगी रही और मुझे प्रभु की भक्ति या
प्राप्ति नहीं हो पाई और मेरे सारे प्रयास व्यर्थ रहे। अब मेरे मन में रह रह करके तड़प उठती है कि मुझे अब ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, मुझे ईश्वर से मिलने की चाह, ईश्वर को प्राप्त करने की चाह घेरे रहती है, रहती है। दूसरी बात में कवियत्री कहती है कि हमें हर वस्तु में संतुलन बना करके रखना चाहिए। अगर हमारे जीवन में संतुलन बना रहेगा तो जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। ईश्वर की भक्ति योग साधना भी हमें करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें जो कार्य हैं उन्हें भी करना चाहिए। यह सीख यहाँ पर कवियत्री इस वाक के वाणी के माध्यम से दे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार। कवियत्री कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं कि हे मनुष्य, तो इस सांसारिक सुखों का उपभोग करके और सांसारिक मोह माया विषय वासनाओं में लिप्त रह करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। न खा करके बनेगा अहंकारी, अगर तो विषय वासनाएं पूर्ण रूप से त्याग देता है, सांसारिक सुखों को पूर्ण रूप से त्याग देता है और तपस्वी बनकर के लोक साधना में लीन रहता है पूरी तरह से, हे मनुष्य तू तपस्वी बन जाता है, साधक बन जाता है, तो तेरे अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी कि मैं ही सबसे बड़ा तपस्वी हूँ। तो हमें समखा तभी होगा संभव, तुम हे मनुष्य तो दोनों का बराबर से उपभोग कर, तभी जीवन में संतुलन बना रह सकता है। संभावी यानी हमें जीवन में बराबर संतुलन बना के रखना होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी हमारे लिए ईश्वर की भक्ति का द्वार खुलेगा या फिर मुक्ति का द्वार खुलेगा। यहाँ पर खुलेगी सांकल बंद द्वार की कारण है कि तभी ईश्वर की भक्ति करके और हमारे लिए जो है मुक्ति का मार्ग खुलेगा। धन्यवाद। दो बात बचे, इनको कल पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद।